हे गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो टॉपिक है, इसमें हम सीखेंगे 10 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जिससे हम अपने मोबाइल डेटा को सेव करके रख पाएंगे। तो दोस्तों, आज के दिनों में तो ऐसे होना नहीं चाहिए जब से जियो आया है, क्योंकि हमको इंटरनेट बहुत ही सस्ते दाम में मिल जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिल जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका मोबाइल डेटा बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता होगा और वो इन सारी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे जिससे हम अपने इन मोबाइल डेटा को बचा पाएं और अच्छे से यूज कर पाएं, अच्छी जगहों पे यूज कर पाएं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है राज आर्यन और आपने प्ले किया है चैनल ब्रोच नाउ। दोस्तों, मैं एक IT कंसल्टेंट हूं, तो यहां पे आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी, उसके साथ साथ एजुकेशन से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में और सीखते हैं कि हम अपना मोबाइल डेटा कैसे बचाएंगे। दोस्तों, अगर बात करूं पहले टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, तो वो है ऑटो अपडेट को लेके। जी हाँ दोस्तों, जो हम अपने ऐप का ऑटो अपडेट लगा के रखते हैं, उन्हें हमें बंद करके रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड में हमारा जो एप्लीकेशन है वो अपडेट होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल डेटा बैकग्राउंड में ख़त्म होता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। और दोस्तों, इससे हमें और क्या क्या नुकसान है, हमारी बैटरी जो है वो जल्दी से ख़त्म हो जाती है, जो हमारे इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत कम आती है और हम सोचते हैं कि यार आज कुछ नेटवर्क स्लो सा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अपने बैकग्राउंड डेटा को बंद करके रखिए, माफ़ कीजिएगा, आप अपने बैकग्राउंड ऐप अपडेट को बंद करके रखिए, इससे आपका जो मोबाइल डेटा होगा वो बचेगा। और दोस्तों, अगर हम बढ़ें अगले ट्रिक की तरफ, तो अब नंबर आता है WhatsApp का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक WhatsApp यूज़र हैं और आपने इनेबल करके रखा है ऑटो डाउनलोड फीचर WhatsApp की तरफ से जो मिलता है हमें, तो उसे प्लीज़ बंद कर दीजिए। क्योंकि जब भी आपका WhatsApp मैसेज आता है, तो इमेज हुआ, ऑडियो फाइल्स हुई, या तो आपका वीडियो हुआ, वो ऑटो डाउनलोड कर लेता है WhatsApp, जिसकी वजह से आपका मोबाइल डेटा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होता है। तो आप इसको बंद करके रखें अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रुप से जुड़े हुए हैं, नहीं तो आपका जो मोबाइल डेटा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगा। अगर आप इसे बंद करके रखेंगे तो आप यहाँ पे अपने मोबाइल डेटा को बचा सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ अगले ट्रिक की तरफ बढ़ें, तो जो अगला ट्रिक है वो है ईमेल के सिंकिंग को लेके। जी हाँ दोस्तों, जो आपका ईमेल सिंक होता रहता है उसको लेके आप यहाँ पे मैनुअल सिंक किया कीजिए। अगर आप ऑटो मेल सिंक लगा देते हैं, तो यहाँ पे आपका जो मोबाइल डेटा है वो ज़्यादा खर्च होता है। तो बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन में जाते हैं और वहाँ पर अगर आप अपना ईमेल लॉगिन करने के बाद आपकी बहुत सारी गूगल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और बैकग्राउंड में आपके डेटा को खाते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आप मैनुअल सिंक लगा के रखेंगे, तो जब भी आपको अपना मेल चेक करना हो तो आप जाके मैनुअली सिंक कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ से आप अपने मोबाइल डेटा को अच्छी तरीके से बचा सकते हैं। जी हाँ। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़े अगर अगले ट्रिक की तरफ, तो वो है ऑटो प्ले फीचर को लेके। जैसे कि अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, आप अगर ट्विटर यूज करते हैं, तो जब आप स्क्रॉल करते रहते हैं तो जो आपके वीडियोज हैं वो ऑटो प्ले हो जाते हैं। और ऑटो प्ले होने के बाद कभी कभी आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन थोड़ा 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 करके यहाँ से भी हमारा मोबाइल डेटा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप इसे बंद करके रखेंगे, आपको जो वीडियो पसंद होगा उसे प्ले करेंगे, तो आप अपना मोबाइल डेटा ज़रूर कुछ ना कुछ बचा पाएंगे। दोस्तों, अगली गलती हम क्या करते हैं वो कुछ इस तरीके से है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस ब्राउज़र का यूज कीजिए, लेकिन दोस्तों, अगर आप ओपेरा ब्राउज़र का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने डेटा को सेव करने का एक अलग से फीचर मिल जाता है और आप यहाँ से अपने डेटा को सेव कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा ब्राउज़र है डेटा सेविंग के मामले में। अगर आप डेटा सेविंग करना चाहते हैं, तो इस ब्राउज़र का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ अगर बढ़ें अगले टिप्स एंड ट्रिक पे, तो वो है दोस्तों सेट डेटा लिमिट का। ये हर मोबाइल में फीचर होता है, आप अपने डेटा लिमिट को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप यहाँ पे डे के हिसाब से सेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे हफ्ते के हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपकी डेटा लिमिट कितनी हो। और दोस्तों, इसी के साथ जो अगला ट्रिक है वो है एक्टिव डेटा कंप्रेशन को लेके। यहाँ पे आप अपने डेटा को कंप्रेस करके बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ओपेरा ब्राउज़र का यूज करना होगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अगर आप वाकई में अपने मोबाइल का डेटा बचाना चाहते हैं, तो आप ओपेरा ब्राउज़र का यूज करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे आपको कंप्रेस फीचर मिल जाता है, और जो मैंने पीछे आपको बताया उस टाइप के भी फीचर आपको इस ब्राउज़र में मिल जाते हैं। और दोस्तों, बढ़ेंगे अगले ट्रिक की तरफ, तो जो अगला ट्रिक है वो है यूट्यूब को लेके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हैं और
आप एक YouTube यूजर नहीं हैं तो आप पूरे मोबाइल यूजर नहीं हुए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आज अभी सारे लोग YouTube को ब्राउज करते हैं, YouTube पे वीडियोज़ देखते हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखते रहते हैं, सीखने की चीज़ें देखते हैं, लेकिन वहाँ पे ध्यान नहीं देते। और छोटी सी गलती ये करते हैं कि वहाँ पे जो आपकी वीडियो की क्वालिटी होती है वो आप ध्यान नहीं देते हैं कि किस क्वालिटी में मेरा वीडियो चल रहा है। तो दोस्तों 480 जो 480 पिक्सल की क्वालिटी होती है वीडियो क्वालिटी में, YouTube नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों और अगर आप स्मार्टफोन में यूज करते हैं तो आपको भी वहाँ भी मिल जाएगा ऊपर की तरफ वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने डेटा को बचा सकते हैं 480 पिक्सल में अगर देखते हैं तो ये सबसे बेस्ट है मुझे लगता है। और यहाँ पे आपको अगर आप मोबाइल में ब्राउज करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है देखने में, आपको अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है इस पिक्सल पे। तो दोस्तों यूट्यूब एक अच्छा जरिया है अपने मोबाइल डेटा को सेव करने का, और आप मेरी बात मानिए 480 पे रख के देखिए, आपका डेटा वाकई ज़्यादा चलेगा। और दोस्तों इसी के साथ जो अगला और लास्ट ट्रिक है वो ये है कि अगर हम ऑनलाइन म्यूजिक सुनते हैं तो दिन भर म्यूजिक सुनते रहते हैं, ऑनलाइन हर कोई सुनता है, अपने म्यूजिक को प्ले करके हम रख देते हैं और दोस्तों म्यूजिक बजता रहता है। लेकिन दोस्तों वहाँ भी एक क्वालिटी का सेटिंग होता है, एक क्वालिटी का फीचर होता है जहाँ पे आप अपने क्वालिटी को सेट कर सकते हैं मीडियम लो हाई में। तो वहाँ पे आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप अपने गाने को मीडियम में सुनिए। अगर हाई में सुनना चाहते हैं तो कोई कोई गाना हाई में सुनना चाहेंगे, लेकिन अगर पूरा दिन सुनना चाहते हैं अगर आप मीडियम में सुनते हैं तो आपका डेटा ज़रूर बचेगा और आपको क्वालिटी भी ख़राब नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों यही थे 10 टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको बताया कि आप अपने मोबाइल डेटा को कैसे बचाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों कमेंट में ये भी बताइए कि आप कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करते हैं अपने मोबाइल डेटा को सेव करने के लिए जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, तो मुझे भी जान के खुशी होगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे इसी तरीके से इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे।